नमस्कार सभी लोगों को स्वागत है आप लोगों का जे एजुकेशन पर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जे की परीक्षा ऑलरेडी हो चुकी है अब इसके आगे सभी स्टूडेंट्स का लक्ष्य जो है वो सी की परीक्षा होगी सी की परीक्षा में करंट अफेयर्स का बहुत वेटेज रहेगा तो हम लोग एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें करंट अफेयर्स आपको डेली या दो या तीन दिन के बीच अंतराल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा जैसे जैसे करंट अफेयर्स होते चले जाएंगे इससे आपको क्या होगा कि तैयारी आप जानते हैं कि एक दिन में तो हो नहीं सकती है तैयारी के लिए आपको लगातार प्रयास करते रहने होंगे इसके लिए करेंट अफेयर्स बहुत मायने रखेगा और करेंट अफेयर्स की सीरीज़ आज से शुरू कर दी जा रही है आप लोगों के लिए आप लोग इसको पढ़िए और करेंट अफेयर्स को आपको याद करने का एक ही तरीका है कि जब पढ़ाया गया उसी समय उसको याद कर लीजिए और दिमाग में उसके नक्शा के साथ या फिर वो कहाँ स्टैब्लिश होने जा रहा है इन सब चीज़ों के साथ उसको एकदम आ, उसी समय रट जाइए क्योंकि बाद में अब जब आप सोचेंगे कि एक साथ बहुत सारे करंट अफेयर्स को एक बार याद करेंगे तो वो हो नहीं पाता है तो चलिए आज का पहला करंट अफेयर्स लेते हैं फर्स्ट ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न इंडिया इज़ प्रपोज टू बी ओपन इन झारखंड पहली जो जनजातीय यूनिवर्सिटी है, है विश्वविद्यालय है वो झारखंड में जो खोलने की बात की जा रही है और ये पूर्वी भारत का सबसे पहला ट्राइबल यूनिवर्सिटी होने वाला है ये इसकी बात की जा रही है जमशेदपुर के गालूडी में जो 40 किलोमीटर है जमशेदपुर से और ये गालूडी और घाटशिला के बीच में ये जगह पड़ता है जगह आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना है जमशेदपुर आप याद रखिए और ये अभी तो प्रपोजल में चल रहा है और इसके जमीन अधिग्रहण की बात की जा रही है तो आप ध्यान रखेंगे कि जो तो पहली जनजातीय यूनिवर्सिटीज़ है वो आपका झारखंड में खुलने की बात की जा रही है इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो साथ में हम लोग इसको देखते चलेंगे दो सेंसस के अनुसार झारखंड की जो जनजातीय आबादी है ट्राइबल पॉपुलेशन इन झारखंड इज़ मोर देन ट्वेंटी उस समय 26.3 परसेंट एग्जैक्ट था लेकिन अभी तो ये बढ़ गया होगा लेकिन 2011 सेंसस के अनुसार 26% परसेंट है अभी जो ट्राइबल रिसर्च होता है जनजातियों के विषय में शोध का जो काम होता है वो जो ट्राइबल रिसर्च है वो जनजातीय शोध संस्थान करती है ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इस रिसर्च को करती है और सभी यूनिवर्सिटीज में लगभग जितनी यूनिवर्सिटीज हैं झारखंड में उसमें एक ट्राइबल डिपार्टमेंट है जिसमें जनजातियों के विषय में उनके भाषा उनके कल्चर के बारे में पढ़ाई होती है तो ये ट्राइबल यूनिवर्सिटी बन जाने से काफ़ी फ़ायदा होगा उसमें एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिलेंगी झारखंड के 67 हॉस्पिटल्स को कायाकल्प अवार्ड दिया जा रहा है अभी कायाकल्प अवार्ड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है और ये हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं श्री बन्ना गुप्ता ये देंगे और 19 बीस और बीस इक्कीस के लिए एक साथ ही दिया जाएगा और ये एक्चुअली दे भी दिया गया है और इसमें ये देखा जाता है कि आपको कंपटीशन कराया जाता है हॉस्पिटल्स के बीच में इसमें सरकारी हॉस्पिटल्स टेक पार्ट करते हैं और इसमें आपका सफाई देखा जाता है आपका रिस्पांस का रेट देखा जाता है ये सब चीज़ें देखी जाती है तो 67 हॉस्पिटल्स को दिया गया है हॉस्पिटल की लिस्ट बहुत लंबी है वो याद नहीं रखना है बस याद रखिएगा कि ये केंद्र सरकार द्वारा प्रदाय पुरस्कार है दिस अवार्ड इज़ गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द कायाकल्प अवार्ड आपसे पूछा जाएगा किससे रिलेटेड है तो कायाकल्प अवार्ड हॉस्पिटल्स को दिया गया है उससे रिलेटेड है फैक्ट चेक में हम करेंगे उसमें देखते हैं कि बन्ना गुप्ता कौन है तो बन्ना गुप्ता हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं और ये जमशेदपुर वेस्ट जो पूर्वी सिंहभूम ईस्ट सिंहभूम में पड़ता है वहाँ से ये निर्वाचित हुए हैं वो वहाँ से एम हैं पार्टी इनकी कांग्रेस है ये कांग्रेस से बिलोंग करते हैं टीका एक्सप्रेस हैज़ बिन डिप्लॉयड फॉर कोविड नाइन्टीन वैक्सीनेशन कोविड नाइन्टीन टीकाकरण के लिए टीका एक्सप्रेस लगाए गए हैं ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा ये साठ गाड़ियाँ एक साथ रवाना की गई हैं जिसमें इसका एम है कि घर पे ही जाके जो छूटे हुए लोग हैं उनको वैक्सीन दिया जाए इसमें ऐसा नहीं है कि जो बहुत यंग लोग हैं उन अगर वो घर में हैं तो उनको दे दिया जाएगा ऐसा नहीं है जो नहीं पहुंच पाए जहां सेंटर है वहां तक तो उन लोगों को देने की बात है तो इससे क्या होगा कि जितना ज़्यादा कोरोना का वैक्सीनेशन होगा हम तीसरी लहर से उतना ज़्यादा बचेंगे तो द एम ऑफ दिस कैंपेन इज़ टू वैक्सीनेट लेफ्ट आउट पीपल एट दियर होम्स दामोदर घाटी निगम के बारे में डीवीसी के बारे में आप अक्सर सुनते रहते हैं और जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ इस समय भी एक न्यूज़ है डीवीसी के बारे में कि डीवीसी के पास पावर फेलियर हो गया है और कभी भी बिजली कट सकती है तो ये न्यूज़ भी आया हुआ है तो डी के ऊपर बहुत ज़्यादा हमारी निर्भरता हो गई थी और डी का पैसा कटने वाला मामला आप जान ही रहे हैं कि अगर उसका बकाया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने काट लिया इसको लेकर विवाद चल रहा था तो ये सुर्खियों में था तो डी का चतरा हजारीबाग और कोडरमा इसके कमांड एरिया से काट दिए जाएंगे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा उद्घाटन किया गया है इटखोरी ट्रांसमिशन लाइन आपने देखा होगा न्यूज़ में इस ट्रांसमिशन लाइन का उद्घाटन ऑलरेडी हो चुका है और यहाँ से बिजली का की जो आपूर्ति है वो झारखंड बिजली वितरण निगम करेगा यहाँ पर 220 सौ बीस के वी जो इटखोरी है ये सब आपको याद नहीं रखना है बस ये याद रखिएगा कि इटखोरी में ट्रांसमिशन लाइन इस्टेब्लिश किया गया है और डी से ये तीन एरिया कमांड एरिया से काट दिया गया है मतलब यहाँ डी से अब आपूर्ति नहीं होगी यहाँ से आपूर्ति की जाएगी जो जे भी बी एन एल करके है वहाँ से वो आपूर्ति करेंगे झारखंड में पहला रोलर स्केटिंग रिंग रांची में बनाया जाएगा इसका उद्घाटन किया गया है इसका उद्घाटन किसने किया है ये मोराबादी में किया है बनाया जाएगा स्टेट फर्स्ट रोलर स्केटिंग रिंग विल बी बिल्ट इन मोराबादी और ये हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया है और हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं श्री हफीज़ुल हसन अंसारी जो इनके पिता की मृत्यु के बाद ये विधायक बने ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, जैसा कि हम मैंने आपको बताया ये मधुपुर कॉन्स्टिट्युएसी जो देवघर में है वहां से इन्होंने बाई इलेक्शन जीता इनकी पार्टी जेएमएम है झारखंड के एक स्वतंत्रता सेनानी हैं वीर बुधु भगत इनके नाम पे एक पोस्टेज स्टाम्प इनाग्रेट किया गया पोस्टेज विभाग ने यानी कि डाक विभाग ने जारी किया है वीर बुधु भगत के नाम पर और ये चान्हो प्रखंड के सिलागाई में उनके वंशजों को ये प्रतीक चिन्ह सौंपा गया मतलब ये जो डाक टिकट बनाया गया ये डाक टिकट उन लोगों को दिया गया है तो आपको याद रखना है कि वीर बुधु भगत के नाम पर पोस्टेज स्टाम्प इनाग्रेट किया गया है और बुधु भगत हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत टेक पार्ट किए थे वो गुरीला वॉरफेयर में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे इन्होंने लड़का आंदोलन के लिए लड़का आंदोलन में काफ़ी अच्छे से बढ़ चढ़कर कर हिस्सा लिया था जो 1832 में हुआ था और इसी आंदोलन में इनकी मृत्यु हो गई थी तो आप ध्यान रखेंगे पोस्टेज स्टाम्प वीर बोधु भगत के नाम पर जारी किया गया है सिनेमा शॉर्ट फेस्टिवल रांची में ऑर्गेनाइज होगा तो आपको याद रखने में ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये सब चीज़ें क्योंकि ये सिनेमा वाली चीज़ें रांची में ही होंगी क्योंकि और कोई वैसा जगह नहीं है और एक जमशेदपुर है वहाँ हो सकता है फिर भी आप इसको याद रख लीजिए रांची में होगा सिनेमा शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2022 ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि झारखंड फॉर्मड इट्स ओन कंपनी फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ मिनरल्स खनिज की खरीद बिक्री के लिए झारखंड ने एक अपनी नई कंपनी बना ली है झारखंड सरकार ने ही बनाई है और ये बहुत बड़ा स्टेप है झारखंड सरकार के लिए कि यहाँ पर हमेशा एक चीज़ होती रहती थी कि जो कोयला ब्लॉक उपलब्ध कराया जाता था केंद्र सरकार से जो आवंटन मिलता था उस पर हमेशा ये रहता था कि नहीं यहाँ पर कम गुणवत्ता वाला जो कोयला है वो दे दिया जाता है जो खनिज है वो दे दिए जाते हैं जो यहाँ पर हम लोगों को काफ़ी दिक्कत होती थी विवाद चलता रहता था इसलिए एक निगम बना लिया गया है कॉरपोरेशन बनाया गया है अब राज्य सरकार कहीं भी बोली लगाकर खदान खरीदेगी वहाँ पे लीज में ले लेगी और वहीं से जो मानक स्तर का जो आपका खनिज होगा उसको खरीद बिक्री वो करने के लिए स्वतंत्र होगी तो आप ध्यान रखिएगा द क्वालिटी ऑफ जो अलॉटमेंट आता था स्टेट गवर्नमेंट को वो अच्छा नहीं होता था ये ऐसा आरोप लगाया जाता था अब ये तो सच्चाई क्या है वो तो वही लोग जानेंगे इसीलिए द ऑप्शन को रिकनसिडर किया गया और एक कारपोरेशन बनाया गया है द स्टेट गवर्नमेंट विल बी एबल टू गेट द माइंस बाई बिडिंग एनी कहीं पर भी पूरे देश में बोली लगाकर खरीद सकती है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि स्टैंडर्ड लेवल का एक्सप्लोरेशन किया जाए निकाला जाए मिनरल और जो मिनरल्स है उसकी उसको अच्छे से हम लोग प्राप्त करें अच्छा से उसका यूटिलाइजेशन करें पतरातु का रारह गांव जो रारह विलेज है विल बी द फर्स्ट इको विलेज टूरिज्म यहाँ इसको याद रखिए कि रारा गांव में इंटरनेट नेटवर्क बहुत ही वीक था और यहाँ पर इंटरनेट नेटवर्क वीक रहने के कारण ही अपॉर्चुनिटी दिखाई दी कि आदमी पूरे भाग दौड़ के ज़िंदगी से जाकर यहाँ पर इको विलेज टूरिज़्म करे वहाँ रुके ये पतरातू डैम में बोटिंग करे और जो भाग दौड़ वाली लाइफ है इससे थोड़ा दूर हो तो यहाँ पर पतरातू का रारा गाँव को पहला इको विलेज टूरिज़्म जो झारखंड का होगा यहां डेवलप करने की कोशिश की जा रही है यह एक एनजीओ के द्वारा किया जा रहा है एन सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता आयोजित की गई जमशेदपुर में और जे टाटा कॉम्प्लेक्स में इसका आयोजन किया गया इसका उद्घाटन अर्जुन मुंडा ने किया जो केंद्रीय मंत्री हैं और आर्चरी एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं यहां पर स्वर्ण पदक जीता है अश्रिता बिरुली जो झारखंड के हैं पचास मीटर वर्ग में और भी पदक जीते गए हैं लेकिन वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपको ये पूछा जा सकता है कि अश्रिता बिरूली किस खेल से संबंधित हैं तो आप याद रखिए कि पचास मीटर पचास मीटर जो तिरंदाजी हुई उसमें उन्होंने स्वर्ण पदक जीता पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि ये आर्चरी से बिलोंग करती हैं आर्चरी खेल में पार्ट लेती हैं एक और तीस मीटर वाली कैटेगरी हुई जिसमें गोल्डी मिश्रा जो झारखंड से ही बिलोंग करती है इन्होंने रजत पदक पदक जीता है ध्यान रखिएगा गांधी जी के ऊपर एक स्टडी सेंटर स्टैब्लिश किया जाएगा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में स्टैब्लिश करने की बात की जा रही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गांधी जी के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं और थोड़ी सी चीज़ें जानकर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि गांधी जी ने ये गलत गलती कर दी गांधी जी ने वो गलती कर दी पर यह है कि उन्होंने काफ़ी कुछ अच्छा भी किया उसके बारे में हमें समझना है उन्होंने इतनी मेहनत की पूरी पूरे देश के लिए उसको हमें समझना है उनके विचारों को समझना है तो उसके लिए एक स्टडी सेंटर इस्टैब्लिश करने की बात है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में इस्टब्लिश किया जाएगा सी के कोर्स के लिए आप हमारे ऐप पर जा सकते हैं और वहाँ पर इन कर सकते हैं